हेलो फ्रेंड, मैं रंजना कुक विद रंजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की लिक्विड वाली खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने जीरा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टमाटर काट के रखा है, दो मिर्ची ली है मैंने, और कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ाई है। उसमें मैंने मूँगफली पहले भूंज के रख लिया है, भून के इसको क्रिस्पी होने जितना भून लेना है। उसमें मैं जीरा डाल दूंगी, दो मिर्ची मैंने काट के डाली हुई है, टमाटर डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से गलने दूंगी। नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पसीना नमक मीन्स फलहारी नमक डाला है मैंने इसमें। इसको अच्छे से थोड़ा सा मैंने इसमें और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड किया है, और धनिया काट के भी, हरी धनिया काट के डाली हुई है मैंने इसमें, और अच्छे से इसको पलटी से मसलते हुए फ्राई कर लेना है। फिर मैंने इसमें एक गिलास जितना पानी डाला है, और ये साबूदाना मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, फूल गया अच्छे से ये, इसको मैं उसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, पानी बॉयल हो जाए फिर। और ये खिचड़ी, फलाहारी खिचड़ी बहुत ही फटाफट से बन जाती है, और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैं इसको दही के शरबत के साथ सर्व करूँगी। कटोरी में मैंने चीनी ले लिया है 4 चम्मच, और दही लिया है मैंने, उसको अच्छे से फेंट लूँगी। और ये खिचड़ी ना दही के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे हम लोग रेगुलर खिचड़ी दही के साथ खाते हैं ना, वैसे बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे मीठी दही के मतलब मीठा शरबत के साथ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दही की मीठी शरबत बनाई है अपने लिए। आपको अगर दही के साथ अच्छा लगे तो आप दही के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मैंने मूँगफली भून के अलग से रखा है, क्योंकि इसमें डालने के बाद ना वो चिपचिपी हो जाती है, इसलिए मैंने अलग से इसको फ्राई करके रख लिया है, ताकि उसका क्रिस्पनेस बना रहे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से फ्राई करके रख लिया है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।